हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के सर्वे स्टडी सेंटर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन, जिसका मैं चार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और UPTU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, WBJEE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको BHU एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ICAR के लिए भी इंपॉर्टेंट है, UPCATET के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स देख लो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट कैथोड। ठीक है, जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो पहले आपको क्या करना है कि कैथोड एनोड पर जो भी सब्सटेंस आएंगे उसको पहले आपको दिखाना है। मतलब कि उसको आप अगर वैसा करते हो तो आपका क्वेश्चन ही एकदम ही इजी हो जाएगा। ये BHU BSE मैथ का जो है 14 में आ रखा है क्वेश्चन, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। NaCl है, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। ओके, लेकिन एक्वस है तो वाटर भी साथ में रहेगा, तो वाटर का होगा तो H+ बनेगा और OH-। देखो क्वेश्चन बोल रखा है एट कैथोड H2 गैस, तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कैथोड पे हमको एट कैथोड पे H2 गैस रिमूव करना है। मैंने H2 गैस रिमूव कर दिया, ठीक है, यहाँ 2 ले लेता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है 0.01 मोल गैस को लिबरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2F, F फॉर फैराडे, लिख सकता हूँ 2×96500 हो जाएगा कूलम, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में देखो एक चीज दे रखा है, I की वैल्यू दे रखा है 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करूंगा तो 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I=10^-2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो मेरे पास में Q=IT होता है, ठीक, तो T=2 क्या हो जाएगा, Q/I, क्यू की वैल्यू ये है 2×96500 आपका 10^-2, तो ये हो जाएगा 2×96500 सेकेंड, ये हो जाएगा। देखो यहाँ 1 है, यानी 1 मोल को लिबरेट करने में कितना सेकेंड लग रहा है, 2×96500^4 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना मोल के लिए पूछा है, 0.01 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 2×96500^4×0.01। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आएगा 19.3×10^4 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन सेकेंड क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ KCl, NaCl एंड KNO3 आर दिस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट वुड बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3 इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये भी BHU BSE 2018 में पूछ रखा है क्वेश्चन। देखो इसमें इसकी वैल्यू दे रखा है KCl, ठीक है, 152 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, NaCl का दे रखा है इसी तरह 128, KNO3 का दे रखा है 111, तो पूछ रहा है NaNO3 का, NaNO3 ऐसा टूटेगा, ठीक है, तो इसको हमको प्राप्त करना है। अगर मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, तो देखो हमको ये किसी तरह से निकालना है, ये कैसे आएगा, तो देखो Na+ किस में है, इसमें दे रखा है Na+ मतलब इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, और NO3- इक्वेशन थर्ड में, प्लस इक्वेशन थर्ड,
ठीक है, जो हमको चाहिए वो तो मिल गया, और जो बच गया उसको सब्सट्रैक्ट कर दो यानी घटा दो इक्वेशन फर्स्ट। अब सबकी वैल्यू रख दो, इक्वेशन से 128 है, थर्ड में 111 है, माइनस 152 है, इसको सॉल्व कर दोगे तो 87 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लो, इसमें दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर NH4OH के 0.1 mM मोलर एक्वस विलयन की मोलर चालकता 9.54 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तथा अनंत तापमान पर इसकी मोलर चालकता 238 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तो NH4 के आयनन की मात्रा यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है इसी टेम्परेचर पे और इसी कंसंट्रेशन पे। ठीक, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो मेरे को दे रखा है सी, एक चीज दे रखा है, कहने का मतलब क्या, मोलर चालकता देख रहा है किसी कंसंट्रेशन को क्या दे रखा है, लेकिन मोलर चालकता इतना है, इतना कंसंट्रेशन मतलब किसी कंसंट्रेशन की वैल्यू पर ये दे रखा है, तो ये लेमडा सी एम की वैल्यू हो जाएगी 9.54 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और देखो अनंत डाइल्यूशन पे दे रखा है मोलर चालकता, ये कितना दे रखा है आपका 238 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो वियोजन की मात्रा लोग जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू होता है लेमडा सी एम अपॉन में लेमडा इन्फिनिटी एम। वैल्यू फुट कर देता हूं मैं, तो 9.54 अपॉन में 238, लेकिन मेरे को क्या निकालना परसेंट है, तो 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 मल्टीप्लाई करूंगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4.008 के आसपास आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 0.2 एम्पियर पास इन 100 सेकंड इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दे रखा है 63। ठीक है, तो इसमें कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, कॉपर 2+ बनेगा और SO4 2- बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखो वैल्यू क्या क्या दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखा है, 100 सेकंड दे रखा है मतलब टाइम दे रखा है, और मेरे को दे रखा है एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखा है 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो अमाउंट पूछ रहा है यानी डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है, यानी फैराडे लॉ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का देखो क्या है, ये कैथोड पे आएगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं मैं इसको, सो यू बन गया, ये क्या हो जाएगा 2F होगा। ठीक है, 2×9650 कूलाम कितने ग्राम के इक्वल है, 63 ग्राम के इक्वल है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। इससे इस डाटा से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, क्यू फाइंड कर सकता हूं, क्यू फाइंड आई इंटू टी हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या है 0.2×100 दैट इज 20 कूलम आएगा। तो चूंकि देखो आप 2×9650 कूलाम 63 ग्राम, ठीक है, तो 1 कूलाम दैट इज 63 अपॉन में 2×9650, ठीक है, ग्राम, तो इसलिए 20 कूलाम 63 अपॉन में 2×9650×20 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर जो आएगा 0.0065 ग्राम के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।